बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शक्ल सूरत किसी भी आम भारतीय जैसी है, लेकिन अदाकारी का हुनर लाजवाब है। तकरीबन 15 साल के संघर्ष के बाद नवाजुद्दीन बॉलीवुड में अपनी पहचान बना पाए। एक जमाने में वॉचमैन रह चुके नवाज आज भी वक्त निकाल कर अपने गांव जाते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। नवाज ने करियर की शुरुआत 1999 में आई फिल्म सरफरोश से की थी, हालांकि इसमें उनका छोटा सा रोल था। इस शुरुआत के बारे में किसी को खबर तक नहीं हुई। साल 2012 तक नवाज ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। फिर अनुराग कश्यप उन्हें फैसल बनाकर गैंग्स ऑफ वसेपुर मिलाए और फैसल के रोल ने उन्हें घर घर में पॉपुलर बना दिया। अब जबकि नवाज इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो चुके हैं, तो लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि आखिर नवाज अपने हर रोल में कैसे ढल जाते हैं। जब इस बारे में एक इंटरव्यू में नवाज से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था, मैं अपने गांव चला जाता हूं और वहां जाकर अपने खेतों की देखभाल करता हूं। कुछ दिन वहां खेती करते हुए बिताता हूं। नवाजुद्दीन के मुताबिक ऐसा करने से उनके मन को सुकून मिलता है और उसके बाद वो नए किरदार की तैयारी में जुट जाते हैं। किसी तरह धक्के खाते हुए हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। फिर भी जॉब नहीं मिली तो 2 साल इधर उधर भटकता रहा। बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, उसमें 1.5 साल काम किया। वो नौकरी खतरनाक थी, तमाम तरह के केमिकल की टेस्टिंग करनी पड़ती थी। फिर जॉब छोड़ दी, दिल्ली चलाया और नई नौकरी तलाश करने लगा। वॉचमैन की नौकरी भी की। फिल्मों में जैसे जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को काम मिलता गया, उन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाकर अपनी अलग छाप छोड़ी है। ऐसे उम्दा अभिनेता और कलाकार को VSRS न्यूज की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, मुंबई, महाराष्ट्र।